नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन ट्रिपर ट्रक के सामने जिसका नाम है भारत बेंज 3128C। 2014 में लॉन्च हुआ था और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। डीजल और मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। रेंज शुरू होती है एक्स शोरूम 17 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की कीमत है 55 लाख रुपीस। और ये टॉप मॉडल 3128C आप देख रहे हैं। 12 टन से लेकर 31 टन तक के टिपर ट्रक बनाता है भारत बेंज। टिपर ट्रक को डंपर ट्रक या सिर्फ डंप ट्रक भी कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले सामान को ले जाने में काम आता है। वर्ल्ड क्लास मर्सिडीज बेंज प्लेटफॉर्म पर बना है 3128, जो लो आरपीएम पे भी हाई पीक टॉर्क देता है। प्रॉफिट टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने में मदद करेगा। 3-पीस स्टील बम्पर है फ्रंट में सेफ्टी के लिए, और ये डुअल चैम्बर हेडलैम्प। और ये भारत बेंज का लोगो। मर्सिडीज बेंज की ओनर कंपनी डाइमलर का ही ब्रांड है भारत बेंज। और ये वाइपर्स। साइड मिरर्स, ऊपर भी लाइट दी गई है। और ये 3128 मॉडल की बैजिंग, HD इन पावर की बैजिंग, 8x4 मॉडल है ये। साइड में इंडिकेटर, यहाँ पर भी लाइट दी गई है। एट मीटर लेंथ है, 3 मीटर हाइट है, 234 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 31,000 kg ग्रॉस व्हीकल वेट है 3128 का, और 19.2 मीटर टर्निंग रेडियस है इस टिपर ट्रक का। और ये हैं 20 इंच के स्टील व्हील्स। एयर ब्रेक्स मिलेंगे ABS के साथ। इंजन ब्रेक्स भी हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो को कांस्टेंट थ्रॉटल वेल से कट कर देगा, जिससे गाड़ी जल्दी रुकेगी। ये स्पेयर व्हील, पीछे के टायर्स, ये बैटरी, 2 बैटरीज आती हैं। अमेरिकन कंपनी वेबको के व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स हैं भारत बेंज में। ये 20 इंच के स्टील व्हील्स। ये बॉक्स टिपर आप देख रहे हैं, पीछे से ओपन स्कोप बॉडी वाले माइनिंग टिपर का भी ऑप्शन आता है। उसका नाम है 3128CM। 430 mm डायमीटर की सिंगल ड्राई प्लेट क्लच है 3128 में, हाइड्रोलिक कंट्रोल और क्लच बूस्टर के साथ। पीछे भी बड़ा सा भारत बेंज का स्टिकर है। और ये LED टेल लैंप। यहाँ पर पीछे भी भारत बेंज की ब्रांडिंग है। हैवी ड्यूटी स्टील फ्रेम है चैसी में, ज़्यादा लोड उठाने की क्षमता के लिए। 58% मैक्सिमम ग्रेडेबिलिटी है 3128 की। रिवर्स एलियोट टाइप फ्रंट एक्सल है। आगे 2 हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स के साथ पैराबोलिक टाइप लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे, और पीछे इन्वर्टेड सेमी लेप्टिकल टेंडम बोगी सस्पेंशन मिलेंगे। दोनों एक्सेल्स में एंटी रोल बार भी मिलेंगे। और ये 260 लीटर्स का डीजल फ्यूल टैंक, और ये 60 लीटर्स का एड ब्लू टैंक। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR टेक्नोलॉजी है, जो एड ब्लू को एग्जॉस्ट गैसेस में मिक्स करेगा, जिससे मिलेगा ज़्यादा एवरेज। एड ब्लू एक हाई क्वालिटी यूरिया सॉल्यूशन है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशंस को कम करता है। ये एग्जॉस्ट पाइप,
चैनल सेक्शन टाइप जैसी है क्रॉस मेंबर्स के साथ 3128 में। इंटरव्हील और इंटर एक्सेल डिफरेंशियल लॉक हैं वेट सरफेस पे व्हील के स्पिनिंग को रोकने के लिए। ये पीछे की बॉडी को कैसे उठाना है उसके इंस्ट्रक्शंस हैं टिपिंग के लिए, सेफ टिपिंग। ये हाइड्रोलिक्स का ऑयल टैंक, लंबा चलने वाली ब्रेक लाइनिंग और क्लच हैं। ये कैब टिल्टिंग प्रोसीजर है, कैसे कैबिन को आप टिल्ट करेंगे। और ये चैसी लुब्रिकेशन पॉइंट्स हैं, 8x4 टिपर है ये। ई विस्कोस फैन है बेहतरीन इंजन कूलिंग एफिशिएंसी के लिए। वाइडर ब्रेक लाइनिंग है शॉर्टेस्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए। सेफ्टी के अंदर डिफरेंशियल लॉक बजर, साइड इंपैक्ट बीम, क्रैश टेस्टेड केबिन, रिवर्स कैमरा और डिस्प्ले और फ्यूल थेफ्ट प्रोटेक्शन डिवाइस मिलेंगे। आइए पीछे की बॉडी को उठा के देखते हैं। 1000 आवर्स या 30,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है 3128 में। ज़्यादा अप टाइम, सुपीरियर कंफर्ट, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी फीचर्स हैं जो ट्रक को मैक्सिमम टाइम तक रोड पे रखते हैं। काफ़ी लो मेंटेनेंस टिपर्स हैं भारत बेंज के। हाई पावर और टॉर्क है 3128 में, जिससे फास्ट ट्रिप होती है और रेवेन्यू भी बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर्स के लिए बनाए जाते हैं भारत बेंज टिपर्स। 900 आरपीएम की लो इंजन स्पीड पे भी 90% तक हाई पावर और टॉर्क मिल जाता है 3128 से। 3128 का गियरबॉक्स भी फ्लैट टॉर्क डिलीवर करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे गियर शिफ्टिंग में भी समय बर्बाद नहीं होता। ये कंस्ट्रक्शन वाला 3128 मॉडल आप देख रहे हैं, माइनिंग का 3128 CM नाम से आता है। ऐसे दिखती है बॉडी नीचे से। और ये डेंजर वार्निंग है कि बॉडी के नीचे ना आए। ये हाइड्रोलिक्स और यहां आप रख सकते हैं 31,000 kg तक का वजन। काफी जल्दी नीचे आ जाती है बॉडी। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पर नीचे डोर पे बॉटल होल्डर है और काफ़ी स्पेस दी गई है। मैनुअल विंडोज़ हैं, डोर पे हैंडल बार है। ये फुटस्टेप और ऐसे इतनी हैं सीट्स। थ्री वे एडजस्टेबल मिलेगी ड्राइवर सीट। दो सीट्स मिलेंगी साइड में। ये पीछे की बॉडी को उठाने का लीवर। ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील।
सिंपल प्लेन रूफ है, ये पेडल्स, ये फ्यूज ओबीडी बॉक्स, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये क्रूज कंट्रोल, एसी वेंट, पीछे भी बर्थ दी गई है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है पीछे, और ये है 9-speed G131 सिंक्रोमैश मैनुअल ट्रांसमिशन क्रॉलर गियर के साथ, और ये हैंड ब्रेक, और ये 12V का चार्जिंग पोर्ट है, थोड़ी स्पेस दी गई है, हैजार्ड लाइट का बटन है, एसी के लिए 60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दो वेंट्स हैं, ऊपर भी थोड़ी स्पेस दी गई है, डैशबोर्ड के फिनिश, ये ऊपर भी थोड़ी स्पेस दी गई है, रीडिंग लाइट है, यहाँ पर भी स्पेस है, और ये पैसेंजर साइड सन वाइज़र, और ये ड्राइवर साइड सन वाइज़र, और ये है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग। यहाँ पर भी कुछ ड्राइविंग के लिए बटन्स हैं, ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, और ये वाइपर और लाइट के कंट्रोल्स, ये साइड में हॉर्न का भी बटन है, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल लेवल, एयर प्रेशर, एवरेज, गियर इंडिकेशन, रेंज और कई वार्निंग लाइट्स। ये बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, टाइम, अलार्म, एबीएस, आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है, और इस तरीके से होता है केबिन टिल्ट। ये फुली केबिन टिल्ट हो चुका है, तो ये है 6400cc इनलाइन 6 सिलेंडर DE210 BS4 डीजल इंजन, हाई बूस्ट प्रेशर टर्बोचार्जर के साथ, 281 हॉर्स पावर है, 1120 Nm टॉर्क है, और 3 का एवरेज मिलेगा 260 लीटर के फ्यूल टैंक से, और 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। यूनिटाइज्ड फ्यूल इंजेक्शन पंप सिस्टम है जिसमें 6 इंडिविजुअल फ्यूल पंप्स हैं हर एक सिलेंडर के लिए, जिससे मिलेगा ज़्यादा एवरेज। सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है केबिन में, जो आप देख सकते हैं अभी रूफ पे। नॉइज ऑप्टिमल क्रैंकेस और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है इंजन में ज़्यादा रिलायबिलिटी के लिए। ई विस्कोस फैन है, ये 6400cc इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन, 281 हॉर्स पावर है, और 3 का एवरेज मिलेगा 260 लीटर के फ्यूल टैंक से।
3128 देता है कम आरपीएम पे हाई पीक टॉर्क, इसके साथ आपको मिलती है बेहतरीन परफॉर्मेंस हर टेरेन पे। रोबस्ट और हाईली ड्यूरेबल डिज़ाइन है भारत बेंज टिपर्स के, जिससे गाड़ी ज़्यादा चलती है लंबे समय तक। टफ कंडीशंस के लिए बनाया गया हैवी ड्यूटी बोगी सस्पेंशन है 3128 में, जिससे मिलती है स्टेबिलिटी और ज़्यादा लोड उठाने की क्षमता। तो कैसा लगा आपको 3128 टिपर, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।